हाय गाइस, हम जा रहे देखिए कटहली का सब्जी बनाने। अब इसको हम काटेंगे, हल्का सा सरसों का तेल हाथ में लगा लेंगे तो चिपकेगा नहीं। फिर इसके बाद आप लोग ऐसे इसको काटिएगा। देखिए गाइस, इसको ऐसे धीरे धीरे आराम से, हाथ ना कटे, पसंद से काटिएगा आप लोग। मार्केट में भी कट जाता है लेकिन घर पे काटो तो अपने हिसाब से अच्छे से काटो, ठीक पड़ता है। देखिए गाइस, मेरा कटहल छील के कंप्लीट हो गया। अब हम इसको धुल के काटेंगे छोटा छोटे पीस में, दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए गाइस, कटहल की सब्ज़ी में डालने के लिए 2 टमाटर ले लीजिएगा, अदरक लहसुन मिर्चा प्याज धनिया, हम तो आलू भी डाल रहे हैं, कोई डालता भी कोई भी नहीं भी डालता है। और ये कटहल अब हम छोटा छोटा काटेंगे। देखिए इतना छोटा छोटा आप लोग काटिएगा। देखिए गाइस, हम काट के एकदम रेडी कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं इसको उबाल देंगे हल्का सा, इसमें का जो दूध रहता है सब निकल जाएगा वाइट वाला, तो स्वाद अच्छा आएगा और अच्छे से हो भी जाएगा। गाइस, ऐसे कढ़ाई में रख के ऊपर तक पानी डाल देंगे, हल्का सा नमक डाल दीजिएगा कि गल जाए। मेरा गैस पे चढ़ गया है, अब हम इसको ढक देंगे। कटहल के सब्जी में हम जीरा धनिया, इसमें गरम मसाला पहले से पीसा हुआ है, तेजपत्ता और एक खड़ा मसाला, आधा ये सब पीस देंगे हम सिलबट्टे पे। और जिसमें से लहसुन अदरक कुछ कुचा लेंगे, मिर्चा और धनिया और प्याज काट लेंगे, टमाटर काट के डाल दिया जाएगा। देखिएगा इस मेरा कटहल कैसे उबल रहा है। अब हम चल रहे मसाला पीसने। देखिए गाइस, हम हमेशा सिलबट्टे पे ही मसाला पीसते हैं और ये छौंकने के लिए है। अब हम चल रहे हैं पीसने। गाइस, हमारा मसाला पीस के कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको उठा लेते हैं। देखिए गाइस, कंप्लीट हो गया, कटोरी में उठा लिए हैं। गाइस, हमारा कटहल उबल गया है, इसमें आलू भी डाल दिए थे थोड़ा सा, अब हम इसको ऐसे निकाल दे रहे हैं। देखिए गाइस, हम कढ़ाई में से सब निकाल लिए हैं, अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो तेल में तलेंगे हल्का सा। गाइस, अब हम चल रहे हैं कटहल को तलने। इसको खूब अच्छे से 5-10 मिनट तक तलिएगा, अच्छे से होने लगेगा तब उतारिएगा आप लोग, लाल हो जाए। गाइस, मेरा अच्छे से तला गया, देखिए एकदम लाल हो गया है। अब हम चल रहे हैं इसको निकालने। इसको हम थाली में निकाल दिए हैं, अब चल रहे हैं हम। देखिए वही कढ़ाई है, छुड़ाए थे, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, अब छौंक देते हैं इसमें जीरा तेजपत्ता। अदरक लहसुन प्याज मिर्चा काट लिए हैं, अब हम चल रहे हैं छौंकने। देखिए गाइस, कितने अच्छे से लाल हो रहा है मेरा। देखिए गाइस, हल्दी है, मसाला पीसे थे सिलबट्टे पर आप लोगों को दिखाए थे, ये अशोक मसाला,
से गाइस मसाला पिसा हुआ डाल दिया है, भून रहे हैं इसको, दो से तीन मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। गाइस मेरा मसाला पक रहा है, अब हम इसमें टमाटर डाल दे रहे हैं, भुना जाए अच्छे से। गाइस हम नमक अभी डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार, क्योंकि कटहल और आलू तो तली दिए हैं। जाएगा ऐसे टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा। अब हम इसमें कटहल और आलू डाल देते हैं अपना। चलिए पानी डालें, आप लोग अपने अनुसार डाल लीजिएगा, हम लोगों को तो जूसा बनाना है, कोई लथपथी खाता है। और नमक पहले ही हम डाल दिए थे स्वाद अनुसार टमाटर के साथ ही। मेरा कटहल का सब्जी पक के तैयार होगा तो गाइस हम आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।